रंगों की त्यौहार होली पर आप तमाम व्यूअर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सौहार्दपूर्ण मनाएं होली, और इस होली के अवसर पर आपसे उम्मीद है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो होली में बधाई के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल, और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर कौन क्या बोल रहा है, क्या है अनुमान, कहां किसे मिली है टिकट, कौन है लड़ाई में आगे, कौन है पीछे, क्या बोल रहे हैं मतदाता, जनता की क्या है आवाजें, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। आपको बता दें, होली जैसे महान पर्व बिहार में देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वह गांव हो या शहर, हर तरफ होली की हुड़दंग। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि होली के दिन ड्यूटी करने पहुंचे शिक्षकों का हुआ बुरा हाल, कोई गोबर तो कोई कीचड़ से सन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग के SES के पाठक के आदेश पर 25 मार्च को भी स्कूल खोलने और ट्रेनिंग में प्रशिक्षण लेने का आदेश दिया था। अपनी ड्यूटी बजाने जब शिक्षक पहुंचे स्कूल या ट्रेनिंग कॉलेज में या ट्रेनिंग संस्थान में, पहुंचने से पहले उन्हें लथपथ होना पड़ा गोबर मिट्टी से, रंगों से। कई ट्रेनिंग स्थल की अगर बात करें तो वहां भी शिक्षक होली में मशगूल दिखे, गाते नाचते भी दिखे। आखिर यह क्या हो रहा है? शिक्षकों की कई ऐसी वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं जो देखकर आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, या आप पर हम छोड़े जाते हैं। आपको अब तक कई वीडियो और फोटो आपको मिल चुका होगा। सरकार की ओर से, सरकार से शिक्षकों ने पहले ही मांग किया था कि स्कूल को बंद करें, लेकिन कुछ हुआ नहीं। होली के दिन स्कूल खोलने का फैसला कितना सही, कहीं नहीं खुला ताला, कहीं नहीं पहुंचे छात्र, शिक्षक करते रहे इंतजार। यह रहा पूरे बिहार का माहौल। शिक्षक ट्रेनिंग करते रहे, स्कूल में रहे, बच्चे नदारद रहे। इधर बात लालू प्रसाद यादव की कर लें तो लालू प्रसाद पर BJP का हमला। होली के मौके पर लालू प्रसाद परिवार से सभी सदस्यों के साथ दिल्ली में होली खेल रहे हैं, जिसको लेकर BJP प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू प्रसाद ने दिल्ली में अपनी दुकान खोल दी है। बता दें कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, यह कहना है अश्वनी चौबे का। सांसद अश्वनी चौबे ने होली के मौके पर बक्सर समेत पूरे देशवासियों को होली की बधाई दी है। अश्वनी चौबे ने कहा कि सत्य और संघर्ष से ही मेरी जीवन की पूंजी रही है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम बिहारवासियों को होली के महान पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। वहीं होली के बावजूद 300 शिक्षक ट्रेनिंग के लिए पहुंचे, दरभंगा में होली के बावजूद 300 शिक्षक ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद कई शिक्षक नाखुश भी नजर आए। इसी तरह से कई ट्रेनिंग स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति देखी गई है, जो खास नाराज भी हैं। स्कूल में गुरुजी की होली, BJP ने जताई आपत्ति। बिहार में होली के दौरान स्कूल खोले जाने और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य किए जाने पर BJP ने भी आपत्ति जताई है। BJP ने कहा कि जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर और निकल कर आई है कि जो 25 मार्च को उपस्थित शिक्षक नहीं हुए हैं उन पर कार्रवाई करने की भी आदेश आ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले
25 मार्च को सभी शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई और कहा गया कि कोई भी प्रभारी या प्रधानाध्यापक शिक्षकों को छुट्टी स्वीकृत नहीं करेंगे। बवाल मचा हुआ है। इधर लालू प्रसाद ने सब परिवार साथ मनाई होली। दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाया। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और उनकी नातिन भी दिखी। आपको बता दें कि होली जैसे महान पर्व दो दिन मनाए जा रहे हैं, 25 मार्च और 26 मार्च को। कहीं 25 मार्च को मनाई गई तो कहीं आज होली मनाए जा रहे हैं। इधर भाजपा जदयू के प्रत्याशी घोषित 7 नए चेहरे लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि अश्वनी चौबे, छेदी पासवान, अजय निषाद, सुनील पिंटू और कविता बेटीकट, लवली आनंद को शिवहर, देवेश को सीतामढ़ी और विवेक को नवादा से टिकट। भाजपा के प्रत्याशियों की बता दें कि रविशंकर और रामकृपाल समेत 13 को भी फिर मौका दिया गया है। आपको बताते चलें कि सभी सीटों के लिए नाम घोषित कर दिए गए। पहले हम बात भाजपा की कर लें तो पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधामोहन सिंह, मधुबनी अशोक कुमार यादव, अररिया प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा गोपाल जी ठाकुर, महाराजगंज से जनार्दन प्रताप रूढ़ी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह नामांकन भी कर दिए। आपको बता दें यहाँ से उम्मीदवार हैं बक्सर से, यहाँ से ये उम्मीदवार बताते चले कि बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम शिवेश राम, नवादा विवेक ठाकुर, मुजफ्फरपुर रामभूषण निषाद। तो वही बात अगर जदयू की कर ले तो ललन सिंह समेत 12 सांसदों को फिर उतारा गया है। और बता दें कि भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, जहानाबाद चनेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, सुपौल दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कटिहार दुलाल चंद गोस्वामी, बांका गिरधारी यादव, नालंदा कौशलेंद्र कुमार, मुंगेर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, झंझारपुर रामप्रीत मंडल, पूर्णिया संतोष कुशवाहा, किशनगंज मुजाहिल आलम, शिवहर लवली आनंद, शिवान लक्ष्मी विजया लक्ष्मी देवी, सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर। तो जदयू व भाजपा को हमने बताया कि यहाँ से इनको टिकट दिए गए। वहीं बिहार में 1 अप्रैल से 20 रुपये तक महंगा बढ़ेगा टोल टैक्स। टोल प्लाजा पर वाहनों को ज्यादा देर न रुकने का निर्देश दिया गया है। आगामी 1 अप्रैल से देश में अधिक टोल टैक्स लगेंगे। बिहार में भी 2 से 3% के बीच टोल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि NDA प्रत्याशी सभी सीटों पर विजय होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मोदी के परिवार के सभी लोकसभा प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इन लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने सभी 40 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का मन बना लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी सपरिवार दिल्ली गए। 27 को बेटी का जन्मदिन है और आज बीते दिन होली भी मनाई गई। राबड़ी आवास के बाहर खेली गई खास होली। तो वहीं हम आपको बता दें कि जदयू और भाजपा ने सामाजिक समीकरण को साधा है। जदयू उम्मीदवारों ने 69% पिछड़ा और 3 स्वर्ग को टिकट दिया। वहीं लोकसभा चुनाव भाजपा में 58% उम्मीदवार स्वर्ण समुदाय से उतारे गए हैं। 3 प्रदेश पदाधिकारी भी बने हैं उम्मीदवार। आपको इसको लेकर हम खास खबर आपको बनाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि जीविका पुस्तकालय में 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगा मार्गदर्शन। 100 प्रखंडों में संचालित जीविका पुस्तकालय में होगा कार्यक्रम। 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने पुस्तकालय का लाभ उठाया है। विद्या दीदी परीक्षा फॉर्म भरने में करेगी मदद। बता दें कि छात्र छात्राओं के लिए आयोजित होने होंगे ऑनलाइन करियर सत्र। विशेषज्ञ देंगे खास सुझाव। तो जीविका पुस्तकालय के लिए खास खबर थी। तो वहीं बता दें कि महिला विकास निगम देगा NCERT की किताबें जीविका पुस्तकालय में। 50 से 60 शिक्षार्थी हर दिन पुस्तकालय में पढ़ते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत मिलेगी पुस्तकालयों को किताब। प्रतियोगी परीक्षा के लिए 140 पुस्तकें भी मिलेगी। तो यह जीविका पुस्तकालय के लिए खास होगा। 12 करोड़ से व्यावसायिक व बहुउद्देशीय भवन बनेंगे। TPS कॉलेज
5,81,00,000 सबके बहुउद्देशीय भवन के लिए, व्यवसायिक भवन के लिए 5,86,70,000 होंगे खर्च। तो वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि होली के बाद रेलवे ने 58 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो बिहार जो आए हैं बिहारवासी, जो बाहर कमाते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है, यह आपके लिए सुविधा दी गई है। इधर चिराग पासवान का एक बड़ा बयान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को लेकर आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार से मतभेद नहीं है। पासवान बोले, होली के बाद होगी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। हाजीपुर सीट पर पशुपति कुमार पारस को टक्कर देने को तैयार। बता दें कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि होली के बाद हमारी पार्टी के उम्मीदवारों का नाम घोषित किए जाएंगे, वे खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेद संबंधी पत्रकारों के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वह हाजीपुर लोकसभा सीट पर पशुपति कुमार पारस को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि चिराग के दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो यह खास बातें नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव हैं, क्या कहते हैं, चिराग पासवान ने कह दिया। इधर छुट्टी रद्द करने पर शिक्षकों के साथ खड़े हुए तेजस्वी यादव का, शिक्षकों की होली छुट्टी रद्द कर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित रहने के आदेश के मामले में मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, बोलने के लिए सब कोई बोल रहे हैं। इधर हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में संभला, लोकसभा में लगातार आउट रहा राजद, या अब तक की परिपाटी रही है। तो ही हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव लोकसभा की नहीं बल्कि विधानसभा की तैयारी में अभी से ही लगे हैं। बिहार में वाम दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, शुभकामनाएं। चुनाव में संगठन की कैमरे के पीछे कमी व नेतृत्व संकट से जूझ रहे हैं वाम दल। बीते 3 दशक में लालू प्रसाद के पिछलग्गू बनकर खोया है जनाधार, यह खास रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित किए गए हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।